Hello everyone, welcome to Dr. Gunjan's classes. I'm Dr. Gunjan and today we are going to do the another part of chapter 1 of your second unit, World of Living. So we are doing life processes chapter and we have already done living beings and about the basic introduction and then nutrition humne complete kar liya is chapter mein. Respiration hum is chapter mein complete kar chuke hain. और आज हम बात करने वाले हैं ट्रांसपोर्ट की. सो हमने बेसिकली इसके तीन मेजर कॉन्सेप्ट्स हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम ट्रांसपोर्ट कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे इस पार्ट में. और अगर आप लोग इससे पहले के चैप्टर्स के पार्ट्स देखना चाहेंगे तो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक्स दे दूँगी. सो यू कैन गो एंड वॉच दोज बिफोर स्टार्टिंग दिस ट्रांसपोर्ट पार्ट. सो कमिंग बैक टू द वीडियो, सो आज हम बात करने वाले हैं ट्रांसपोर्ट की. सो ट्रांसपोर्टेशन क्या होती है, इसमें ह्यूमंस में या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या क्या ट्रांसपोर्ट होता है बॉडी के अंदर, ब्लड, हार्ट, हार्ट के बारे में पढ़ेंगे और पंपिंग प्रोसेस क्या रहता है हार्ट का, सो उसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं. सो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की. सो ट्रांसपोर्टेशन का क्या मतलब है, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है ना, चाहे वो किसी भी तरह का ट्रांसपोर्ट हो. कोई भी ट्रांसपोर्ट मीन्स यूज़ करके एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने को ही ट्रांसपोर्टेशन कहा जाता है, ठीक है. सो चाहे हम लोग एक बस के एक लाइक वी यूज़ व्हीकल्स, डिफरेंट व्हीकल्स टू मूव आर सेल्फ, टू ट्रांसपोर्ट आर सेल्फ फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है. हम अपने आप को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए कुछ ट्रांसपोर्ट मीन्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि कार, बस और ट्रेन. ऑन द सिमिलर नोट, ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे क्या रहेगा, ट्रांसपोर्टेशन इन बायोलॉजी या लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मतलब होगा कि बॉडी के अंदर पानी और कुछ और मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट का जो प्रोसेस है, डिफरेंट पानी और अदर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट एक पार्ट से पूरी बॉडी, ठीक है, पूरी बॉडी में उसको मूव करना, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसपोर्टेशन. सो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर एंड अदर मॉलिक्यूल्स द कंसर्न पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स. तो अगर हम लोग ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो इसके अंदर हम लोग तीन चीज़ें पढ़ेंगे, ब्लड, हार्ट और ब्लड वेसल्स, ठीक है. सो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें ब्लड की. तो ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है. फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू मतलब कि फ्लूइड क्या हो गया, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का मतलब हुआ कि कोई भी मूवमेंट बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने के लिए फ्लूइड्स की फॉर्म में होगी, ठीक है, फ्लूइड्स की फॉर्म में होगी. सो जो हमारे हार्ट से लेकर पूरी बॉडी में मूव करेगा, ठीक है. तो हमारी बॉडी में जो फ्लूइड रहेगा वो मीडियम में होता है, उस मीडियम का नाम क्या है, प्लाज्मा. और उस प्लाज्मा में हमारे पास क्या क्या रहते हैं, आरबीसी रहता है नंबर वन, डब्ल्यूबीसी रहता है नंबर टू, प्लेटलेट्स रहते हैं सो नंबर थ्री. आरबीसी का मतलब क्या हुआ, ये बीसी मतलब ब्लड सेल्स, सो आरबीसी इज रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कॉर्पसल्स भी बोला जाता है इसको. डब्ल्यूबीसी इज वाइट ब्लड कॉर्पसल्स एंड प्लेटलेट्स. सो ये सारे के सारे प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. सो ये एक फ्लूइड मीडियम है, राइट. सो जो कि ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है. सो प्लाज्मा किस किस चीज़ को ट्रांसपोर्ट करता है इस मीडियम के थ्रू, एक तो वो खाने को ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है और नाइट्रोजन वेस्टेज को ट्रांसपोर्ट करता है, बट किस फॉर्म में, एक डिजॉल्व फॉर्म, ठीक है. सो ये सारे के सारे हमने यहाँ पे ब्लड सेल्स की टाइप्स डिफरेंट बता रखी हैं. ये कुछ टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स होते हैं जो आर बी सी और डब्ल्यू बी सी का पार्ट है, ठीक है. सो यू कैन वॉच दिस, दिस इज द प्लेटलेट्स, हाउ प्लेटलेट्स इज लाइक दिस, एरिथ्रोसाइट इज आर बी सी रेड ब्लड सेल्स. सो दीज आर मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, इयोसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, वाइट ब्लड सेल्स, मैक्रोफिल्स. सो बेसिकली हम लोग बात यहाँ पे ब्लड की कर रहे हैं. सो ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जिसके अंदर मीडियम क्या रहता है, प्लाज्मा. प्लाज्मा में आर बी सी होते हैं, डब्ल्यू बी सी होते हैं और प्लेटलेट्स होते हैं, जो कि प्लाज्मा काम क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है और वो
किसी भी ऑर्गेनिज्म में फूड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन वेस्टेस को डिजोल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। जो ऑक्सीजन को बॉडी में लेकर जाना और बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने के लिए, बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को कलेक्ट करके लंग्स तक पहुंचाना ताकि लंग्स उसको बाहर एक्सहेल कर सके। सो ये सारा का सारा काम प्लाज्मा में होता है। पर जबकि ऑक्सीजन, जो हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था, जो ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा एफिनिटी किसके साथ रहती है, हीमोग्लोबिन के साथ। सो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाता है, जो मैंने आपको एक पिक्चर में भी एक्सप्लेन किया था। सो ऑक्सीजन मेनली किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, हीमोग्लोबिन के थ्रू। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो अगर हम लोग, ये कुछ छोटा सा डेटा है जो आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है, जस्ट गो थ्रू दिस डेटा। नॉर्मल लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन जो है, एच बी जिसे बोला जाता है इन अ शॉर्ट फॉर्म, ठीक है, एच कैपिटल एंड बी इज स्मॉल, सो हाउ इट इज़ रिप्रेजेंटेड, हीमोग्लोबिन ऐसे लिखा जाता है। तो हीमोग्लोबिन का जो लेवल रहता है ह्यूमन बींग्स में, वो डिफरेंट डिफरेंट रहता है। अगर एक एडल्ट मैन की बात करें तो उसमें 14 से 17 ग्राम ऑफ ब्लड पर 100 ml ऑफ ब्लड प्रेजेंट होता है, ठीक है। और अगर वुमेन, एडल्ट वुमेन की बात करें, उसमें ऑन एन एवरेज इस रेंज में ब्लड प्रेजेंट, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, ठीक है, 12 टू 15 ग्राम पर 100 ml। और जबकि हम बच्चों की बात करें, सो चिल्ड्रंस के केस में 11 टू 16 ग्राम पर 100 ml हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। और अगर हम लोग एनिमल्स जैसे कि बफेलो, काओ की बात करें, सो उनके अंदर हीमोग्लोबिन का लेवल 10.5 टू 16.4 ग्राम पर 100 ml होता है। जबकि उनके जो काव्स होते हैं, जो उनके बच्चे हैं, उनके अंदर हीमोग्लोबिन कंटेंट एडल्ट मेल और फीमेल से कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है, ठीक है। और अगर हम ह्यूमंस की बात करते हैं, तो जो हमारे एडल्ट मेन हैं वो ज़्यादा काम करते हैं एज़ कम्पेयर टू वुमेन एंड चिल्ड्रन। सो उनके लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है ताकि उन्हें ज़्यादा एनर्जी मिल सके। दैट्स वाई अडल्ट मैन हैव मोर हीमोग्लोबिन। सो ये क्वेश्चन आपको आ सकता है, वाई अडल्ट मैन हैव मोर हीमोग्लोबिन देन अडल्ट वुमेन। सो दिस इज़ द रीज़न, बिकॉज दे डू मोर वर्क देन वुमेन एंड चिल्ड्रन, सो दे नीड मोर ऑक्सीजन टू गेट द एनर्जी। काम करेंगे तो एनर्जी चाहिए, एनर्जी आएगी अगर ब्लड के अंदर क्या होगा, हीमोग्लोबिन ज़्यादा होगा। ज़्यादा हीमोग्लोबिन का मतलब ज़्यादा ऑक्सीजन पहुँचेगी उन तक, ज़्यादा ऑक्सीजन पहुँचेगी तो उनकी एनर्जी जो है वो ज़्यादा होगी, ठीक है, कंज्यूम भी ज़्यादा होगी और बनेगी भी ज़्यादा। सो हीमोग्लोबिन लेवल जो ह्यूमंस में है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा रहता है कैटल्स के कंपैरिजन में, क्योंकि ह्यूमंस जो हैं वो बायोलॉजिकली ज़्यादा काम करने के लिए बने हैं, इसलिए उनकी उनको ऑक्सीजन की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग इस बहस में नहीं जाएंगे बेसिकली, कि डिबेट बेसिकली हम नहीं करेंगे कि एडल्ट वुमेन ज़्यादा काम करती है या एडल्ट मेन ज़्यादा काम करते हैं। हम यहाँ पे साइंस की बात कर रहे हैं, जो हमारी बॉडी बनी हुई है उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। तो वो कोई काम कर रहा है, उसको यूज़ कर रहा है, नहीं कर रहा है, वो उसके ऊपर डिपेंड है। बट दिस इज़ ऑल अबाउट द फैक्ट, वी आर टॉकिंग अबाउट दी ह्यूमन बॉडी, कि जो भी ह्यूमन है उसकी हीमोग्लोबिन कंटेंट उसके अंदर इसीलिए ही ज़्यादा बनाया गया है, ताकि क्योंकि वो ज़्यादा काम करता है, ज़्यादा काम करता है और उसको ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, ओके, फाइन। सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ हार्ट। सो ब्लड के बारे में हमने पढ़ लिया, तो सेकेंड टॉपिक था इसके अंदर द हार्ट। तो हार्ट जो है, हार्ट का काम क्या है, हार्ट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ पम्पिंग ऑर्गन। ये आपने बचपन से, लाइक फ्रॉम स्टैंडर्ड वन से या स्टैंडर्ड टू से आप लोग सुनते आएंगे, पम्पिंग ऑर्गन इज, पम्पिंग ऑर्गन इज द हार्ट, राइट। सो हार्ट का काम पम्प करना है ब्लड को सारी बॉडी में, ठीक है, ब्लड को पम्प करना थ्रू आउट द बॉडी। सो हार्ट जो है एक मस्कुलर ऑर्गन है। ये कितना बड़ा होता है, हमारे जो फिस्ट होती है ना, अगर आप अपनी मुट्ठी बनाएंगे, फिस्ट मतलब मुट्ठी, ये अप्रॉक्सीमेटली आपकी मुट्ठी के जितना बड़ा होता है हार्ट, ठीक है, हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। तो हार्ट की डायग्राम को आप अच्छे से करेंगे, जब भी आपको सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बात करनी है तो आपको उसकी बेसिक डायग्राम आनी ज़रूरी है। सो हार्ट के चार चैम्बर्स होते हैं, ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर्स हैं, 4 चैम्बर्स, दो एट्रिया या एट्रियम बोला जाता है और 2 वेंट्रिकल्स, ठीक है,
सो टू एट्रियाज हैं एंड टू वेंट्रिकल्स हैं. सो दो लेफ्ट वेंट्रिकल, सॉरी लेफ्ट एट्रिया एंड राइट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल. सो दिस ऐसे मिला के ये चार चैम्बर्स हैं. ये आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, ये छोटे छोटे से चैम्बर्स बने हुए हैं. सो जो राइट राइट साइड के चैम्बर्स हैं, राइट साइड के चैम्बर्स हैं, इनका क्या काम है? इनका काम है कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को कैरी करना. सो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड कहाँ से आएगा? उस सारी बॉडीज से इकट्ठा होके यहाँ तक पहुँचेगा और हार्ट क्या करेगा, उसको लंग्स तक पहुँचाएगा ताकि उसमें से ऑक्सीजन को बाहर निकाला जा सके, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जा सके और ऑक्सीजन को अंदर लाया जा सके. सो बेसिकली यहाँ पे हार्ट में जो राइट साइड के जो चैम्बर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को, और जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होगा उसका क्या मतलब होगा, वो डीऑक्सीजनेटेड होगा. ऑक्सीजनेटेड मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस, डीऑक्सीजनेटेड मतलब जिसमें ऑक्सीजन नहीं है. सो दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होगा. सो दैट इज राइट चैम्बर्स कैरी करते हैं. जबकि हम लेफ्ट चैम्बर्स की अगर हम बात करें तो ये क्या कैरी करते हैं, ये ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी करते हैं. किसको कैरी करते हैं? ऑक्सीजन रिच ब्लड को. सो दैट इज अ ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ऑक्सीजन रिच मतलब ऑक्सी से ऑक्सीजन, ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजन से भरा हुआ ब्लड, ठीक है, रिच ब्लड. सो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का काम क्या है, क्या करना है काम उसका, ब्लड का क्या काम है, उसको लंग्स तक पहुंचा के कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिमूव करना. जबकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करेगा, वो लंग्स से ब्लड को लेकर आएगा, उसमें ऑक्सीजन रिच है, वो हार्ट के पास देगा, हार्ट क्या करेगा उसको पंप करके सारी की सारी बॉडी में भेज देगा, ठीक है. सो ये एक बेसिक फंक्शन है हार्ट का. हमने क्या पढ़ा, हार्ट का काम है पंपिंग करना, इसको इसीलिए पंपिंग ऑर्गन कहा जाता है. ये एक मस्कुलर ऑर्गन है, ये आपकी फिस्ट के साइज़ का होता है, इसमें चार चैम्बर्स होते हैं. हम यहाँ पे ह्यूमन हार्ट की बात करें, चार चैम्बर्स होते हैं, दो अपर साइड पे होते हैं, दो लोअर साइड पे होते हैं. जो अपर साइड वाले हैं उन्हें एट्रियम बोला जाता है, जो लोअर साइड वाले हैं उन्हें वेंट्रिकल बोला जाता है. सो दैट मीन्स जो लेफ्ट साइड पे है, लेफ्ट वाले हैं लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, एंड राइट साइड वाले राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल. तो जो राइट वाली साइड के चैम्बर्स हैं उनका काम है कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को पंप करना या कैरी करना, और लेफ्ट वालों का ऑक्सीजनेटेड ब्लड को. सो राइट एट्रियम में क्या फंक्शनिंग रहती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है, तो ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा हमारा लंग्स के पास. तो ये सब कुछ बॉडी में सब कुछ लाइक रिलेटेड है, ऐसा नहीं अलग अलग चैम्बर्स हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग ऑर्गन्स हैं, अलग अलग काम है, आपस में तो मशीनरी जुड़ी हुई है ना, सबका एक साथ काम करना ज़रूरी है. अगर एक भी चीज़ ख़राब होगी तो पूरी बॉडी रुक जाती है, ठीक है. और लेफ्ट साइड के जो वो हैं चैम्बर्स हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से ला के हार्ट में लेके आते हैं और पूरी बॉडी में पंप कर देते हैं. तो अब हम नेक्स्ट इसमें क्या करने वाले हैं, हम लोग प्रोसेस पढ़ेंगे जो कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपका इस चैप्टर में. तो इसमें हम लोग बात करेंगे पंपिंग प्रोसेस ऑफ हार्ट की, और ये ह्यूमंस की बात हो रही है. किसकी बात हो रही है, ह्यूमंस की बात हो रही है. फोर चैम्बर हार्ट जो है वो ह्यूमंस के केस में होता है. तो सबसे पहला पॉइंट क्या रहा, सबसे पहला पॉइंट क्या रहा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया. ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा लेफ्ट साइड पे, हमने अभी समझाया ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा लेफ्ट साइड पे. आया कहाँ से, लंग्स से. लंग्स से आया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ्ट साइड के ऊपर वाले चैम्बर में आएगा. ये लंग्स हो गई, लेफ्ट साइड के ऊपर वाले पार्ट में आएगा, दैट इज लेफ्ट एट्रियम. किसकी बात हो रही है, लेफ्ट एट्रियम. सो लेफ्ट एट्रियम में पहुंचने के लिए किसी चीज़ ने एंटर करना है अंदर, तो उसको रिलैक्स होना पड़ेगा ना. रिलैक्स होगी तो वो स्पेस देगी उसको एंटर करने के लिए, ठीक है. सो लेफ्ट एट्रियम क्या करता है, जैसे ही देखता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से आने वाला है, वो रिलैक्स हो जाता है. तो वो जो ब्लड है हमारा कहाँ पहुँच गया, वो लेफ्ट एट्रियम में पहुँच गया. अब लेफ्ट एट्रियम से वो लेफ्ट वेंट्रिकल तक जाएगा. सो उसके लिए अब उसने क्या करना है, उसने खुद कॉन्ट्रैक्ट हो जाना है. कॉन्ट्रैक्ट हो जाना है, कॉन्ट्रैक्ट इसलिए होना है ताकि ब्लड जो है वो वापस ऊपर ना जा सके. लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ जाएगा. सपोज़ ये लेफ्ट एट्रियम है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है. अगर यहाँ से यहाँ तक जाना है उसने ब्लड ने,
ये क्या करेगा, ये अपने आप को बंद कर लेगा. सो दैट मीन्स ये कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा और लेफ्ट वेंट्रिकल ने अपने अंदर लेकर आना है तो ये रिलैक्स कर लेगा. सो लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स हो गया. अब ब्लड कहाँ से कहाँ चला गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड एट्रियम से, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड एंटर हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ. अब लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड ने पूरी बॉडी में पंप आउट करना है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड, लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे. कॉन्ट्रैक्ट होने से ब्लड कहाँ चला जाएगा, पूरी बॉडी में चला जाएगा. ये तो हमने बात करी फर्स्ट प्रोसेस की, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की. सो सिंपल प्रोसेसिंग रही, ठीक है. अभी के लिए आप इतना ही समझिए कि लेफ्ट लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, लेफ्ट एट्रियम तक पहुंचा. लेफ्ट एट्रियम तक पहुंचने के लिए एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम ने अपने आप को रिलैक्स कर लिया. रिलैक्स कर कोई भी चीज़ आपके अंदर इजीली चली जाएगी, ठीक है. लेफ्ट एट्रियम में एंटर कर गया ब्लड, लेफ्ट एट्रियम ने अब आगे लेफ्ट वेंट्रिकल तक पहुंचाना है, तो लेफ्ट एट्रियम खुद क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया और लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स हो गया, जिसके कारण ब्लड एंटर कर गया लेफ्ट वेंट्रिकल. अब लेफ्ट वेंट्रिकल ने ब्लड को पूरी बॉडी में आगे पहुंचाना है, तो उसके लिए पंप करने के लिए लेफ्ट वेंट्रिकल ने अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, जिससे ब्लड क्या हुआ, आगे पूरी बॉडी में चला गया. सो ये बात हुई ऑक्सीजनेटेड ब्लड की. अब सेकेंड, अब ऑक्सीजन तो पहुंच गया सब बॉडी में, ऑक्सीजन पहुंच गया तो उसने कार्बन डाइऑक्साइड को कलेक्ट भी करना है ना. हमारा ब्रीदिंग प्रोसेस तो यही रहता ना, ऑक्सीजन को अंदर लेके जाना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना. तो अब छोड़ने के लिए सारे बॉडी में से इकट्ठी भी तो करनी पड़ेगी, सारे सेल्स में से. सो उसमें क्या होगा, पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ने बॉडी से कलेक्ट करके ब्लड में कहाँ पहुँचा, राइट एट्रियम में. हमने बात करी ना, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हो गया, ठीक है. ये वाला अब लेफ्ट राइट साइड के एट्रियम में, राइट साइड के एट्रियम में पहुंच गया. एट्रियम में पहुंचने के लिए सेम प्रोसेस, उसको रिलैक्स करना पड़ेगा. रिलैक्स हो गया राइट एट्रियम, ब्लड एंटर कर गया राइट एट्रियम में. अब राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल तक जाएगा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. तो राइट एट्रियम फिर से सेम प्रोसेस हो रहा है. राइट एट्रियम क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा ताकि ब्लड वापस उसके वापस ना आ जाए, और राइट वेंट्रिकल जो था नेक्स्ट वाला पॉइंट, वो डायलेट कर जाएगा, फैल जाएगा ताकि ब्लड उसके अंदर चला जाए, ठीक है. वो रिलैक्स हो गया, ब्लड उसके अंदर चला जाए. अब ब्लड कहाँ फाइनली पहुँच गया, बॉडी से राइट एट्रियम में गया, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल तक पहुँच गया, ठीक है. अब राइट वेंट्रिकल से उसने, ब्लड ने लंग्स के पास जाना है. लंग्स के पास क्यों जाना है, ताकि वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंक सकें और ऑक्सीजन को वापस अंदर ले सकें. सो वो उस तक जाने के लिए फिर से राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर गया और ब्लड जो है लंग्स में पहुंच गया फॉर ऑक्सीजनेशन. आई होप दिस इज क्लियर विद यू. इफ यू हैव एनी डाउट, आप दोबारा से इसको पॉज करके रीप्ले करके देख सकते हैं, ठीक है. सो दिस इज द होल प्रोसेस जो आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है और ऐसे होता है, ठीक है. ये आप इसको स्टेप बाय स्टेप आपको याद करना पड़ेगा. देन हम बात करें कार्डियक साइकिल की. ये कार्डियक साइकिल में क्या होता है, क्या मतलब हुआ इस बात का, इस बात का क्या मतलब हुआ कि वेंट्रिकल्स ने पंप करना है ब्लड को, लेफ्ट वेंट्रिकल ने डिफरेंट ऑर्गन्स में पंप करना है ब्लड को, तो उनकी जो मस्कुलर वॉल्स हैं वो थिक होती हैं एज कंपेयर टू एट्रियम. वेंट्रिकल्स की मस्कुलर वॉल्स क्या होती हैं, थिक होती हैं एज कंपेयर टू एट्रियम. एंड वाई इज इट सो, इट इज़ बिकॉज ऑफ देयर हैव टू पम्प द ब्लड इन टू द वेरियस ऑर्गन्स, उनको ज़्यादा काम करना है, ठीक है. और जबकि आपको ये मैंने बोला ना कि वो रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट करते रहते हैं कि ताकि ब्लड वापस ऊपर ना चला जाए, है ना. एक ही डायरेक्शन में मूव करना चाहिए, नीचे की तरफ जाना चाहिए, तो ऊपर ना वापस आ जाए, बैक फ्लो ऑफ ब्लड ना हो जाए. सो इस बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए नेचुरली हमारे हार्ट के अंदर क्या है, वॉल्स प्रेजेंट हैं. वॉल्स मतलब एक तरह के स्क्रूज प्रेजेंट हैं कि वो बंद हो गया, बंद हो जाएगा तो वापस ब्लड ऊपर नहीं आ सकेगा, एक लॉक हो जाएगा, ठीक है. जब एट्रियम और वेंट्रिकल कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, तो ये वॉल्स जो हैं, ये वॉल्स क्या करती हैं, बैक फ्लो ऑफ ब्लड को, ब्लड के बैक फ्लो को रोकती हैं, ठीक है, ताकि ब्लड जो है बैक फ्लो ना कर सके. सो वॉल्स इनके अंदर प्रेजेंट होती. अब हम बात करने वाले हैं, अब हम बात करने वाले हैं कि
जो राइट साइड और लेफ्ट साइड का जो हमारा ब्लड है, ठीक है, राइट साइड और लेफ्ट साइड का जो हार्ट है, ठीक है, वो मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को प्रिवेंट करता है। ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाता है, ठीक है, ऐसा होने के लिए वो रोकता है। इस क्यों रोकता है? ताकि हाई एफिशिएंट सप्लाई हो सके ऑक्सीजन की पूरी बॉडी तक, ठीक है, पूरी बॉडी तक अच्छे से ऑक्सीजन एफिशिएंटली पहुंच सके। और ये एनिमल्स में इसलिए यूजफुल है क्योंकि उनको हाई एनर्जी रिक्वायर्ड है, स्पेशली बर्ड्स और मैमल्स में, क्योंकि वो अपना बॉडी टेम्परेचर इसी तरह से मेंटेन करते हैं। हाउ दे मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर? बाई यूजिंग दिस काइंड ऑफ एनर्जी। और एनर्जी कहाँ से आएगी? ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन इसलिए आएगा ताकि जो चैम्बर्स हैं राइट और लेफ्ट साइड के हार्ट के, उनमें मिक्सिंग ना हो सके। इनकी सेपरेशन रहती है। जबकि ये तो बात करी हमने बर्ड्स और मैमल्स की, किसकी बात करी? बर्ड्स और मैमल्स की। जबकि एम्फीबियंस और कुछ रेप्टाइल्स में, एम्फीबियंस, अब हम सेकेंड बात करें पॉइंट, एम्फीबियंस और कुछ रेप्टाइल्स की, वो अपना बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ये एनर्जी यूज़ नहीं करते। वो एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं फॉर देयर बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। तो कुछ एनिमल्स जो हैं उनका थ्री चैम्बर्ड हार्ट होता है, और कुछ तरह की मिक्सिंग, कुछ हद तक की मिक्सिंग फॉर ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की वो होने देते हैं, राइट। अब हम बात कर रहे हैं कि फिशेज की, फिशेज में कितने चैम्बर्ड हार्ट होता है? टू चैम्बर्ड हार्ट। फिशेज में टू चैम्बर्ड हार्ट रहता है। ह्यूमंस में फोर चैम्बर्ड हार्ट था, फिशेज में टू चैम्बर्ड हार्ट होता है। जबकि कुछ रेप्टाइल्स में क्या होता है? थ्री चैम्बर्ड हार्ट होता है। अब हम फिशेज की बात कर रहे हैं तो फिशेज में क्या होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के अंदर एंटर कर गया। उनमें उनमें किस किस कहाँ से उनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है? गिल्स, गिल्स है ना, हमने पढ़ा था, ठीक है। तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में एंटर करके कहाँ लेकर जाएंगे ताकि उसको वो क्लीन कर सकें, उसमें उसमें वो उसको ऑक्सीजनेट कर सके। तो वो उसके लिए कहाँ लेकर जाएंगे? उसके गिल्स के पास। तो ब्लड ने क्या किया? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब हार्ट में एंटर कर गया तो वो गिल्स तक पहुंच गया पंप करके। उसके बाद गिल्स में उनकी ऑक्सीजनेशन हो गई और पूरा का पूरा ब्लड पूरी रेस्ट ऑफ द बॉडी तक पहुंच गया। और इस साइकिल में, ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है एग्जाम्पल, क्योंकि इसमें एक ही बार में एक की वन साइकिल ऑफ पैसेज होता है थ्रू आउट द बॉडी, ठीक है। तो सिंगल सर्कुलेशन होती है इसमें, ठीक है। क्या होती है? सिंगल सर्कुलेशन इन केस ऑफ फिशेज, सिंगल सर्कुलेशन, क्योंकि ब्लड एक ही बार हार्ट के थ्रू पास होता है, एक ही बार हार्ट के थ्रू पास होता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में आता है, वो गिल्स तक चला जाता है, वहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाता है गिल्स में, और सीधा वो आगे पूरी बॉडी में चला जाता है। इसमें एक ही बार हार्ट से पास हुआ ब्लड, सो दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड सिंगल सर्कुलेशन। जबकि बाकी वर्टिब्रेट्स में या ह्यूमन बींग्स में हम बात करें, हार्ट में ब्लड दो बार जाता है, चाहे वो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की ही क्यों नहीं बात हो, एक साइकिल में ब्लड दो बार हार्ट से क्रॉस करता है, इसलिए वर्टिब्रेट्स में उसको डबल सर्कुलेशन कहा जाता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन करिएगा कि डबल सर्कुलेशन क्या होती है और वो किसमें देखी जाती है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, इसको घुमा फिरा के ये क्वेश्चन आ सकता है किसी भी फॉर्म में। दिस इज ऑल अबाउट दिस पार्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी थिंग इन दिस वीडियो। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट्स, यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। आई गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज डोंट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।